हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडी टेक चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, विंडोज 11 टास्क बार में वेदर आइकॉन को कैसे रिमूव करते हैं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, अभी तक आपने फूडी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बॉक्स आ जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा और उसी के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों, हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के। यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम के लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे आपको आइकॉन दिख रहा है, उसको कैसे रिमूव करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट की यानी विंडोज की को क्लिक करना है दोस्तों, उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जाना है आपको पर्सनलाइजेशन पे, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टास्क बार नज़र आएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर टास्क बार के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वेटर्स देखने को मिल जाएगा, इसको यहाँ पे ऑन है, यहाँ पर लेफ्ट साइड देख सकते हैं वेदर का लोगो आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर इसको ऑफ करने से यहाँ से चले जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ से चले गया है दोस्तों। इसको ऑन ऑफ करने से, ऑन करने से ये आ जाएगा दोस्तों और ऑफ़ करने से ये वेदर का लोगो चले जाएगा। इसी तरह विंडोज़ 11 टास्क बार में वेदर आइकॉन को रिमूव कर सकते हैं दोस्तों, वेदर लोगो को रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।